वेलकम टू NH24 क्लासेस फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश के जो स्पेशल वीडियो आपके लिए हम प्रोवाइड करेंगे आपको पार्ट वाइज। ये पहला पार्ट है, आप इसके पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हम इसका जो भी वीडियो बना के पार्ट वाइज डालें उसको आप जो है देख सकें बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक प्रशासन। राजनीतिक प्रशासन की अगर हम बात करें तो अप्रैल 1937 में ब्रिटिश राज था, ठीक है। ब्रिटिश राज के समय इसका नाम जो था क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, सबसे पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? संयुक्त प्रांत के नाम से। फिर ये 26 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया इसका नाम बदल कर, ठीक है। 1858 तक इसकी राजधानी जो थी, 1858 तक इसकी राजधानी क्या थी? आगरा थी। कौन सी थी? आगरा, ठीक है। फिर इसकी 1858 से 1921 तक जो इसकी राजधानी रही वो इलाहाबाद रही। क्या रही? इलाहाबाद। फिर 1921 से जो आज तक राजधानी है वो इसकी क्या है? लखनऊ है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी आशा करता हूँ। वर्ष 1921 में यहाँ विधान परिषद का गठन किया गया। किसका? विधान परिषद का। कब किया गया? 1921 में, ठीक है, 1921 में, आप ये याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश में से काट कर एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया था। क्या रखा गया? उत्तरांचल, ठीक है। क्या नाम रखा था? उत्तरांचल। बाद में 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल, और बाद में 2007 में जो है इसका नाम क्या कर दिया गया? उत्तराखंड, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जो हुआ था 1937 में हुआ था, प्रथम गठन, ठीक है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन 1937 में हुआ था। आप जो है वीडियो को जो है लाइक करते रहें। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको हम कहते हैं NCR, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजनल में उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। कितने जिले? 7 जिले आते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिएगा, मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जिसको हम नोएडा कहते हैं, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर, ठीक है। ये जो आपके आते हैं ये NCR में आते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। प्रदेश में मतदाताओं की जो संख्या है वो 14.16 करोड़, ठीक है, इतने करोड़ जो है यहाँ पर जो है मतदाता हैं, मतलब जो वोट देते हैं, ठीक है। वो किसके अनुसार? जनगणना 2016 में के अनुसार है। ये जनगणना वाली जनगणना नहीं, ये मतदाता वाली जनगणना होती है एक तरह से, ठीक है, जिसको हम वो बोलते हैं आर्थिक जनगणना। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभाल थे। कौन थे? चंद्रभाल, प्रथम सभापति कहाँ के? विधान परिषद के, उत्तर प्रदेश के, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नारायण दत्त तिवारी, ये एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के मुख्यमंत्री रहे हैं ये, ठीक है। कौन? नारायण दत्त तिवारी, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले ज़िले हम देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिएगा, चित्रकूट है, ठीक है, महोबा है आपका, और श्रावस्ती, ये आपके जो हैं इसमें कुल दो दो सीटें हैं किसकी? विधानसभा की, ठीक है। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कि प्रधानमंत्री पद पर भी रहे हैं ये, ठीक है। कौन कौन? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और ये जो है प्रधानमंत्री भी रहे, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री होने का भी इन्हें गौरव प्राप्त है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद शफी कुरैशी उत्तर प्रदेश के 2 बार राज्यपाल बने, ठीक है, दो बार क्या बने? राज्यपाल बने। कौन? मोहम्मद शफी कुरैशी, ठीक है, ये 2 बार राज्यपाल बने।
आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री वनारसी दास एवं श्रीपति मिश्रा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। ये मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। कौन कौन? वनारसी दास और श्रीपति मिश्रा जो है ये मुख्यमंत्री बने थे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे ये साथ में रहे, और ये क्या बने? मुख्यमंत्री बने। ये विशेषता है इसमें, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो कौन है? मनोज कुमार है, ठीक है, मनोज कुमार। और भारत की अगर बात करें तो वह सुनील अरोड़ा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 17वीं विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? श्री राम गोविंद चौधरी, जो कि समाजवादी पार्टी के हैं। कहे गए समाजवादी पार्टी के, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक रहा था, ठीक है। प्रथम बार, पहली बार जो लगा था, ठीक है। आगे देखते हैं, विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 है, जिसमें कि एक मनोनीत किया जाता है, ठीक है, और 303 जो है निर्वाचित होते हैं, इस पर चुनाव होता है। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या जो है 100 है उत्तर प्रदेश में, और लोकसभा की अगर हम बात करें तो यह 80 सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा की। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात, सीटों की बात करें तो हम, ये 31 सीटें हैं। कितनी? 31, ठीक है, 31। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला राज्य जो आपका इलाहाबाद है, यहाँ पर 11 सीटें हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मंडल की अगर हम बात करें तो कानपुर और आपका जो है लखनऊ, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, और सॉरी, सबसे छोटा मंडल जो है सहारनपुर है। कौन सा? सहारनपुर। सबसे बड़े की बात करें तो कानपुर और लखनऊ मंडल की, ठीक है, मंडल की बात हो रही है, या आप इस चीज़ को ध्यान रखना, मंडल की बात हो रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार, कारागार मतलब जेल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो कहाँ है? बरेली में। राज्य में अभी तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा, उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। प्रथम मुख्यमंत्री जो थे उत्तर प्रदेश के, गोविंद वल्लभ पंत थे, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी। कौन? सुचेता कृपलानी। बात करें राज्यपाल की तो सरोजिनी नायडू जो थी प्रथम राज्यपाल बनी, और सर्वाधिक बार महिला मुख्यमंत्री जो बनी, सर्वाधिक बार महिला मुख्यमंत्री जो बनी वो मायावती, ठीक है। वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है। वर्तमान राज्यपाल हो गए आनंदीबेन पटेल, प्रथम राज्यपाल हो गई, राज्यपाल हैं, प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी? ये बनी थी सरोजिनी नायडू, ठीक है, दोनों फीमेल हो गई अभी, ये भी और ये भी, वर्तमान में भी और सबसे पहली भी, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मछली, देखिएगा इस तरीके से होता है, एक वृत्त होता है, और ये गंगा और यमुना का संगम हुआ है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे दो मछलियाँ हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ठीक है, और एक यहाँ पे धनुष है। क्या है? धनुष है, ठीक है। इस तरीके से जो है थोड़ा इस तरीके से इसका चिन्ह है, इस तरीके से, ठीक है, ये मछली हो गई आपकी, और ठीक है, एक तीर धनुष मैंने आपको दिखा दिया है, देखो धनुष तीर बना के दिखाया, ठीक है, एक तीर धनुष हो गया ये आपका। 1938 में जो है इसको स्वीकृत किया गया था, मतलब अपनाया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो क्या है? अशोक, ठीक है। और यहाँ का जो है राजकीय फूल जो है, पुष्प जो है, पलाश या टेसू, ठीक है, टेसू भी कहते हैं इसको। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, जो 1947 में, ठीक है, और बाद में द्वितीय भाषा जो बनाई गई है उर्दू, यह 1989 में, ठीक है, इसको जो है दर्जा दिया गया है सेकंड भाषा का। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस नवंबर, ठीक है, नवंबर 1956। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो है बारहसिंगा, को क्या है? बारहसिंगा।
उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है सारस या क्रोच, और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है वो है हॉकी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, प्रशासनिक इकाइयाँ देखते हैं। जिलों की अगर संख्या, जिलों की बात करें तो 75 यहाँ जिले हैं, और मंडल की अगर बात करें तो 18 मंडल हैं, जिसमें 18वां मंडल जो है अलीगढ़ है। ठीक है, कौन सा है? अलीगढ़। आर्थिक संभाग क्षेत्र की बात करें तो 4 संभाग क्षेत्र हैं आर्थिक। ठीक है, नगरों एवं नगर समूहों की बात करें तो 915 हैं, और नगर ग्राम पंचायत कितनी है, यह 59,073, और तहसील है यहाँ पे 342 जो हैं तहसील हैं। नगर पंचायत की अगर हम बात करें तो यह 423। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नगर पालिका परिषद जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 193 हैं, तहसील हैं 350, नगर निगम है 16, और कुल ग्राम है यहाँ पर 10,67,74। ठीक है, सॉरी 1,06,774। ठीक है, देख लेना डाटा में कोई वो हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता। आबाद ग्राम जो है 907,814। ठीक है, आगे देखते हैं। तिथियों पर, यह आपका तिथियों पर आधारित मुख्य तथ्य है, जो तिथि जो बनाते हैं हम, जैसे कि जैसे मान के चलो राज्य में भूजल सप्ताह मनाया जाता है, तो 16 से 22 जुलाई में जो है मनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2006 से चालू की गई, और राज्य में भूजल दिवस मनाया जाता है 10 जून को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भूजल दिवस मनाया जाता है 10 जून को। जल प्रबंध व विनियामक प्राधिकरण का गठन किया गया 2010 में। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू की गई 2001 में। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना हुई 1973 में। राज्य में रेडियो टैक्सी परियोजना शुरू की गई नवंबर 2013 में। रेडियो टैक्सी, जैसे कि आपको 24 घंटे जो है आप कॉल करेंगे तो आपके पास जो है पहुंच जाएगी। ठीक है, रेडियो टैक्सी। परिवहन निगम की पूछताछ सेवा 149 जो शुरू की गई थी वो 12 मई 2015 से शुरू की गई थी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। NIR विभाग का गठन किया गया 18 जुलाई 2014 में। ठीक है, पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई 1974 में। उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1866 में। पारिवारिक मामले हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत की गई 1984 से। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ रही है। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 में लागू हुआ, और ये मनाया और ये जो है, ये जो ग्राउंड लेवल पे जो इसको चालू किया गया 1 जुलाई 1952 से जो इसको चालू किया गया। ठीक है, नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन जो हुआ था ये 1962 में हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ ये हुआ 1994 में, और राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ 7 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ 14 सितंबर 2005 को, और राज्य महिला आयोग का गठन किया गया 24 जून 2007 को। ठीक है, राज्य सुरक्षा आयोग जिसको हम अध्यक्ष मुख्यमंत्री का गठन किया गया, ये था 12 जुलाई 2013 को इनका जो है गठन किया गया। ठीक है, भौतिक संरचना की बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के भौतिक संरचना। ठीक है, तो भौतिक संरचना की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, यह है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, भारत के लगभग क्षेत्रफल का 7.33% जो है ये पूरे भारत का है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, चौथा। ठीक है, कौन सा? चौथा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये पहले नंबर पर आ गया आपका, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश।
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले चार जिले जो हैं आपके कौन कौन से, देखो लखीमपुर हो गया, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र हो गया आपका, हरदोई हो गया और सीतापुर हो गया। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाले चार जिले अगर आप देखें तो हैं, हापुड़ है आपका सबसे कम क्षेत्रफल वाला, गाजियाबाद हो गया आपका, भदोही हो गया, शामली हो गया। ठीक है, ये जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भावर तराई क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदान दुआब कहा जाता है। ठीक है, दुआब की जो भूमि होती है वो ये बहुत उपजाऊ भूमि होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, जब दो नदियों के बीच की जो जगह होती है उसे हम दुआब की जगह कहते हैं, जिससे कि खेती बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है वो 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इस राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई लगभग 650, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई इस तरीके से ये 240 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के सटे राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें कि 8 राज्य हैं और एक संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र आगरा मथुरा राजस्थान से सटे जिले जो हैं वो जो हैं। ठीक है, सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, सोनभद्र से सबसे ज़्यादा जिले सोनभद्र से ही कनेक्ट होते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। दक्षिणी बिंदु का मतलब जैसे ये बिंदु जो है, ठीक है, ये वाला बिंदु, ये जो आपका दक्षिणी बिंदु कहलाता है। छत्तीसगढ़ से सटा हुआ एकमात्र जिला जो है वो कौन सा, सोनभद्र है। ठीक है, कौन सा, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को के जो है 11 जिलों से स्पर्श करती है। ये जिले कौन कौन से, आगरा हो गया आपका, इटावा हो गया, जालौन, झांसी, ठीक है, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ठीक है, ये जो हैं आपके राज्य जिले जो हैं सटे हुए हैं किससे, मध्य प्रदेश से। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड को तथा 7 बिहार राज्य से स्पर्श करते हैं। ठीक है, देखो नेपाल को प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं। ये जिले पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में देखिएगा, महाराजगंज हो गया आपका, सिद्धांत नगर हो गया, बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर पीलीभीत। ठीक है, ये जो हैं आपके नेपाल से, ये उत्तर प्रदेश के जो राज्य जिले हैं ये नेपाल की सीमा से कनेक्ट होते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया और पश्चिमी जिला शामली है। ठीक है, पूर्वी जिला देखिएगा इस तरीके से, पूर्वी जिला जो है आपका ये हो गया। ठीक है, और पश्चिमी जिला आपका ये हो गया। ठीक है, तो पूर्वी जिला कौन सा आपका, बलिया यहाँ है और शामली जो है वो लास्ट में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला जो है आपका सोनभद्र है। ठीक है, ये जो आपका उत्तरी जिला हो गया या आपका दक्षिणी जिला हो गया, ठीक है, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का एक भूभाग है। गोंडवाना लैंड का जो है एक भूभाग है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भावर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र को का विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर, पडरौना, ठीक है, तक। इस क्षेत्र की भूमि ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, ऊबड़ खाबड़। खादर क्षेत्रों की नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने से बिहाड़ों का निर्माण होता है, बिहाड़ों का।
ठीक है, ये बिहाड़ होते हैं, इसका जो है नदियों की जो खादा जगह होती है बिहाड़ों का, उससे छे होने के कारण ठीक है बिहाड़ों का जो है निर्माण होता है। भावर के ठीक दक्षिणी में तराई क्षेत्र की पट्टी मिलती है, इसकी चौड़ाई जो है उत्तर से जो है कितनी है, उत्तर प्रदेश में कितनी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितनी है, 80.090 किलोमीटर तक लंबाई में इसका विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक। ठीक है, इस क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, अच्छी जलवायु नहीं है वहाँ की। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी का पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय मैदान का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। किसके? बुंदेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जलोन और हमीरपुर ठीक है आता है। महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, सुदूर दक्षिण क्षेत्र, मिर्ज़ापुर के गंगा क्षेत्र का दक्षिणी भाग व सोनभद्र के कुछ भाग जो हैं सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे देखें, यह प्राचीन पठार नीस चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, इसलिए इसे बुंदेलखंड नीस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड नीस भी कहते हैं। जलवायु देख लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधनीय एवं मानसूनी है। कैसी है? उष्ण कटिबंधनीय मानसूनी है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा जो होती है गोरखपुर में होती है। कितनी होती है? 184.7 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा होती है। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, कहाँ पर? मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। संभावित वर्षा की अवधि सर्वाधिक गोरखपुर में 56 दिन जो है होती है, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन होती है। ठीक है, सर्वाधिक गोरखपुर में, और उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी वो है आपका एरिया है, उस वहाँ पर कितने दिन? 32 दिन होती है। ठीक है, प्रदेश में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल भूमि में आर्द्र भूमि जो है वो कितनी है? आर्द्र भूमि वेटलैंड, ठीक है, 5.15% है। ठीक है, वेटलैंड भूमि, ये जो आपका सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला जो है वो सोनभद्र है। कौन सा? सोनभद्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है? सोनभद्र में। देखो, पूरा सोनभद्र में ही मान के चलो। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को पूर्वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी मानसून कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी मैदान से तराई क्षेत्र में होती है। कहाँ होती है? पूर्वी मैदान से तराई क्षेत्र में होती है। ठीक है, प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में चक्रवाती और सहवनीय वर्षा होती है। ठीक है, सहवनीय का मतलब होता है सहन करने वाली वर्षा। ठीक है, सॉरी, ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश की दक्षिणी भाग में अधिक तापमान होने का मुख्य कारण कर्क रेखा के नज़दीक होना। ठीक है, अधिक तापमान क्यों होता है? क्योंकि कर्क रेखा के नज़दीक है। ठीक है, कर्क रेखा के ऊपर जो है सूरज जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। सबसे कम आर्द्र भूमि वाला जिला जो है बागपत है और हाथरस। ठीक है, दोनों जिले में 0.18% जो है यहाँ पर आर्द्र भूमि है। मृदा का अपारदन, ठीक है, अपारदन। प्रदेश के पश्चिमी जिले तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मिट्टी भी मिलती है, जिसे केरल या कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, करेल या कपासी, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के अलीगांसी, ठीक है, मिर्ज़ापुर या अलीगढ़ होगा, ठीक है, सोनभद्र, चंदौली व दक्षिणी इलाहाबाद में लाल मृदा मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन का वायु अपरदन की अपेक्षा अधिक प्रभाव है। ठीक है, परत अपरदन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म तरीके से होते हैं, जिसे किसान समझ नहीं पाते और खेती की उर्वरता कम होती रहती है। ठीक है, खेती की उर्वरता जो है मतलब पैदावारी
वो कम होती रहती है, इसलिए किसान को जो यहाँ का क्या ज़्यादा किसान की मौत कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, परत अपवर्धन को जो है किसान की मौत कहते हैं, ठीक है। अवनालिका संरक्षण से उत्तर प्रदेश का यमुना और चंबल का क्षेत्र जो है इटावा सर्वाधिक प्रभावित रहता अपर नालिका क्षरण से, ठीक है, क्षरण का मतलब होता कटाव से। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जड़ोड़ मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी, जड़ोड़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी, जड़ोड़ मिट्टी पाई जाती है। लवणीय एवं क्षारीय मृदा को सामान्यतः ऊसर या बंजर या कल्लर या रे नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत बनेंगे आपके इससे, आप जो है इसे वन लाइनर ना समझें, ये जो आपके लिए क्लास है एक पूरी, तो आप जो है इसको देखते रहें, लास्ट तक देखें, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मिट्टी को परवा, पडवा, मार या भाड़, राकर, राकड़ भी कहते हैं, और भोड़ा मृदा पाई जाती है, ठीक है, ये जो है इसके नाम है, बहुत अजीब से नाम है। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के मथुरा एवं आगरा जिले सर्वाधिक प्रभावित रहते हैं, वायु अपरदन से, ठीक है। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है हिमालय का तराई क्षेत्र है, कौन सा, हिमालय का तराई क्षेत्र, ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपकी क्लास यहीं तक समाप्त होती है। अगर आपने अभी तक क्लास को, अगर आपको आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलें नहीं। और अगर आपको इसका वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।